दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव यानी गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाकर भोग लगाया जाता है, जिन्हें छप्पन भोग कहा जाता है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्व मनाने से मनुष्य की लंबी आयु होती है और इसी के साथ ही उसके जीवन से दुख दूर होते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गो माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। देखिए, गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि श्रीमद् भागवत के अंतर्गत इसका वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब मथुरा में उत्पन्न हुए और ब्रज में जब रहने लगे तो ब्रजवासी, उस समय बाल्यावस्था थी, 6 साल के भगवान श्री कृष्ण जी थे, और ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र का पूजन करते थे, उसमें 56 भोग का भोग लगा देते, उनका पूजन किया जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र का पूजन क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि गाय को चारा खिलाने वाला गोवर्धन पर्वत है जो रास्ते उनको दे रहा है, जहाँ से गाय हमारी पल रही है, तो आप गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि सब ब्रजवासियों ने कहा कि हम तो अभी तो उनका पूजन करते हैं, इससे भगवान इंद्र रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। उन्हें कहा वो कहीं नाराज नहीं होते, उनके नाराज छोड़ो, अरे ये तो साक्षात हैं। तो ठीक है, सब ने सलाह करी, ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन का पूजन प्रारंभ किया। तो गोवर्धन जी का जब पूजन प्रारंभ किया तो भगवान कृष्ण जी ने अपने आप को उस स्वरूप में ढाल दिया। इधर वो बाल्यावस्था में थे, उधर गोवर्धन बैठ करके वो प्रसाद ने जो भोग लगाए वो खा रहे हैं, जो भोग लगाए वो खा रहे हैं। तो ब्रज गोपालवासी जो थे, हमारे जो ब्रजवासी थे, जो बालक थे, उन्होंने कहा भाई कहते हैं ये तो गोवर्धन महाराज सभी प्रसाद खा रहे हैं तो हमारे क्या बचेगा, 56 भोग है, जिसको भोग लगा रहे हैं, जो हम चढ़ा रहे हैं वो गोवर्धन जी खा रहे हैं, अभी तक क्या ऐसा हुआ, आपने इंद्र ने कभी भोजन प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप भोजन करो। अब इंद्र महाराज जी देख रहे हैं कि इंद्र महाराज जी ने देखा कि भाई मेरा पूजन होता है, मेरा तो भोग नहीं लगा, क्यों, क्या बात है यार, ब्रजवासी मेरा पूजन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या आए देखने वो? तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं और कृष्ण जी जो है गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, इन्होंने मेरे पूजन का त्याग कर दिया, मेरा पूजन नहीं किया उन्होंने, अब इनको दंड मिलना चाहिए। तो दंड के लिए उन्होंने आदेश दे दिया वायु को, जल को, कि आप जाओ और ऐसी भयंकर वर्षा करो आप वहाँ पर कि ब्रजवासी सब डूब जाए। ऐसी वर्षा होने लगी, अब सब उन्होंने कहा ले कृष्ण, कि आपने कहा था कि गोवर्धन का पूजा करो, इंद्र नाराज हो गए और ये बरसात हो गई और अब तो डूबते हैं, क्यों, इतनी वर्षा होने लगी कि जलमग्न होने लगा पूरा ब्रज। उन्हें चिंता मत करो, उन्हें सब सहयोग दो, अरे गोवर्धन पर्वत जी महाराज हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को बोला सक ले करके और अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर गोवर्धन पर्वत जी को उठा दिया। एक सप्ताह तक रात दिन वो बरसात चलती रही, उसमें ब्रजवासी भी आ गए, गोलोकवासी भी आ गए, उनकी गायें भी सब उस पर्वत के नीचे आ गए और वो पर्वत उनके हाथों में रहा। उस दिन से जब फिर इंद्र महाराज एक हफ्ता बाद, अब तो गेट पर डूब गया होगा, अब तो गोलोक नहीं बचा होगा, तो आए देखा उन्होंने कि अच्छा ये तो सब सुरक्षित हैं। तब उन्होंने इंद्र ने कहा कि ओ मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, गलती हो गई, ये तो भगवान साक्षात नारायण हैं, कृष्ण स्वरूप में तो लीला के लिए यहाँ पर आए हुए, तो वहाँ साक्षात हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने क्षमा मांगी, फिर गोवर्धन नीचे आए। उस दिन से गोवर्धन पूजा पर्वत का पूजन हो गया। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।